15 जून 2021 के लिए मेरी स्टॉक वॉच लिस्ट में दो स्टॉक्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं निफ्टी 50 पे एक छोटी सी एनालिसिस देखना चाहूँगा आपके सामने, और कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके सामने मार्क्स कर रखे हैं। आइए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा रीजन मैंने मार्क किया था कल के दिन अपने वीकेंड के एनालिसिस करते टाइम, और कुछ ना कुछ सपोर्ट एरियाज को भी मैंने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे, जो कुछ इस तरीके से देखने मिल रहे थे। और आज जब मार्केट में एक शार्प फॉल आता हुआ देखने मिला था ड्यू टू अडानी ग्रुप के जो भी न्यूज लीक हुई है उससे रिलेटेड, तो अगर आप देख पा रहे हो एक यहाँ से काफी अच्छा मूव देखने को मिला है हमको मार्केट्स में क्लोजिंग के टाइम तक, और जो मैंने एक रेंज यहाँ पे डिफाइन करा था उसी के अपर लेवल के आसपास ये क्लोज होता हुआ देखने मिल रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कैंडल है आज के दिन की वो काफी बुलिश है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम लोग अभी तक के जो हाई है यानी कि समवेयर 15,835.55 का, अगर ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस इंडेक्स में, और जिसके लिए मैंने एक ऑप्शन में छोटा सा पोजीशन भी आज क्रिएट किया है। देखते हैं, होल्ड करते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या रिटर्न्स मिलते हैं मुझे। अगर अच्छे रिटर्न्स रहे उससे कुछ सीखने को आपको मिलेगा तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आइए, जो स्टॉक्स की बात कर रहा था मैं उन स्टॉक्स को देख लेते हैं एक बार, और उसमें सबसे पहला जो एक स्टॉक है वो कहीं ना कहीं विप्रो मुझे फिर से स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये रेगुलरली काफ़ी अच्छा मूव दिखाता हुआ देखने मिल रहा है। अगर इंट्राडे बेसिस पे हमें इसमें ट्रेड करना हो तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम इसे शिफ्ट करेंगे, मार्क करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि हम लोगों को दे सकता है एक क्विक ट्रेड इस स्टॉक में। और अभी का जो आप हाई देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं वो इन लेवल्स पे है 562.80 का, और अगर इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं अपने स्क्रीन पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हम लोगों को सहूलियत होगी कल के दिन ट्रेडिंग लेने में। अगर कभी भी ये स्टॉक इस लेवल को ब्रिज करके ऊपर जाता हुआ देखने मिलता है और यहाँ वॉल्यूम बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। ऐसे एक बार और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग लेके चलें तो क्लोजिंग के टाइम भी अगर आप देख पा रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखा है, और कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे ही ये क्लोज होता हुआ देखने मिल रहा है। 70-80 पैसे का एक गैप है, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता हुआ निकले तो हम इसमें एक छोटा सा क्विक ट्रेड पॉसिबली ले सकते हैं, और 5 से 10 रुपए का एक मोमेंटम ट्रेड इसमें बन सकता है इंट्राडे बेसिस पे। अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉसेस भी 560 के नीचे मैं प्लेस करूंगा, समवेयर 559.45 के आसपास। तो इस तरीके से इस ट्रेड को हम लोग कल के दिन देखेंगे, और जो अगला एक स्टॉक है उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये एक FMCG सेक्टर का स्टॉक है, और अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ इसमें देखने मिल रहा है। आज के दिन भी काफ़ी अच्छा इसमें मूव आता हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें भी प्लान करेंगे एक हायर लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता हुआ देखने मिलता है, और एक राउंड फिगर की बात करें 925 का लेवल अगर ये तोड़ता हुआ दिखे कल के दिन कभी भी तो इसमें एक छोटी सी एंट्री बनेगी। टारगेट होंगे 15 से 20 रुपए के लिए, और आप इस तरीके से आवरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखने मिला, और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने हायर लेवल्स के ही आसपास क्लोज होता हुआ देखने मिल रहा है। 5 से 6 रुपए का गैप है हम लोगों के एंट्री लेवल से, अगर ये 925 को क्रॉस करता है कभी भी तो एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 912.10 का, और टारगेट्स अकॉर्डिंगली 20 से 25 रुपए इस तरह से ऊपर आप रख सकते हैं। अगर मोमेंटम अच्छा बना रहा, वॉल्यूम बने रहे तो हम लोग इसमें और ज़्यादा होल्ड करने के लिए प्लान कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वॉच लिस्ट वीडियोज पसंद आ रही हैं या कुछ सीखने मिल रहा है तो इन वीडियोज को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड लॉजिकली।